हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट ई टाइप की क्लास में हमने इस टाइप की मॉडलिंग की थी, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो, ग्रिड ये प्लान है हमारे पास, और अगर इसकी ग्रिड देखें तो हम एक एक्स में एक लाइन है ये, एक लाइन है आपकी एक्स में ये, और एक लाइन है एक्स में ये, ठीक है। उसी तरह से वाई में आपकी एक लाइन है ये, एक लाइन ग्रिड लाइन ये है, एक ग्रिड लाइन ये है और एक ग्रिड लाइन ये है, ठीक है। तो एक्स में स्पेसिंग है 8 मीटर 5 मीटर, वाई में 8 7 6। तो सेम हमें ई टैब में न्यू मॉडल मैट्रिक SI इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं, डिज़ाइन कोड IS, ओके। तो ग्रिड लाइन क्योंकि हमारी डिफरेंट स्पेसिंग थी तो हम कस्टम ग्रिड में जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले ग्रिड स्पेसिंग ले लेते हैं तो फर्स्ट हमारी 8 थी एक्स में और सेकंड थी हमारी 5, देख लेते हैं 8 एंड 5, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम सी। उसी तरह वाई में जो हमारी स्पेसिंग थी वो थी 8 7 6 एंड 0, 8 7 6 0, ओके। नंबर ऑफ स्टोरेज 7 और ईच स्टोरेज हाइट 3 मीटर हमने एज्यूम की है, ओके कर लेते हैं। उसके बाद देखिए से बीम कॉलम, एक सर्कुलर कॉलम और एक स्लैब हमें 3 डिफाइन करने हैं। मटेरियल हम एज्यूम कर लेते हैं M25, और उसके बाद ये तीनों सेक्शंस डिफाइन करते हैं चारों, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन मटेरियल, एड न्यू मटेरियल इंडियन कंक्रीट M25, ओके। ये M25 है, ओके कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग 25। उसके बाद डिफाइन सेक्शन फ्रेम, ऐड न्यू बीम, टाइटल डाल देते हैं बीम, और इसका साइज़ है 300 बाई 500, तो 500 होगी डेप्थ और 300 होगी आपकी विड्थ, और मटेरियल M25, ओके। ये बीम आ चुका है। इसी तरह से एक ऐड कर लेते हैं कॉलम, जिसका साइज़ है 400 बाई 400 और मटेरियल M25, ओके। उसी तरह से हम डिफाइन करते हैं स्लैब, जिसका थिकनेस है 200 M25, स्लैब भी डिफाइन हो चुकी है। एक सर्कुलर कॉलम डिफाइन करना है हमें, ऐड न्यू सर्कुलर कॉलम, SIR डाल देते हैं, टाइटल M25 और इसका डायमीटर है 500, ठीक है। सारी चीज़ें डिफाइन हो चुकी हैं, बीम कॉलम सर्कुलर कॉलम। तो अब बनाते हैं, यहाँ पे हम ऑल स्टोरे कर देते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं कॉलम, कॉलम में यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कॉलम, और हम यहाँ जाके एक बार चेक कर लेते हैं 8 एंड 5, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो है हमारे 5 मीटर होना चाहिए था, 13 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड मॉडिफाई, यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ पे जो है स्पेसिंग 13 नहीं होगी, 5 होगी। अब ठीक है, अब हम कॉलम ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट है हमारा, तो बस यहाँ यहाँ कॉलम है, इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर कॉलम है, तो सर्कुलर कॉलम ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम बीम ले लेते हैं यहाँ से, और बीम हम ड्रॉ कर देते हैं ड्रैग करके जल्दी, और यहाँ से हम इंक्लाइन बीम ड्रॉ कर देते हैं, ओके। यहाँ पर भी बीम है और यहाँ पर बीम है, तो हमारी लगभग मॉडलिंग हो चुकी है। अब इस मॉडलिंग के अंदर आपका रह गया है सर्कुलर स्लैब्स या सेल्स कह सकते हैं इनको, देखिए सर्कुलर सेल्स है। इनको हम कैसे बनाएंगे, हम एक्सट्रूड का ऑप्शन यूज़ करेंगे, उससे हम डिफाइन करेंगे सेल्स। तो देखिए हमारी जो सेल्स हैं वो यहाँ से निकल रही है और यहाँ से यहाँ पे फिनिश हो रही है,
ये जो एंगल कवर कर रही है वो कर रही है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है, एडिट में जाएंगे आप तो यहाँ पे आता है हमारा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में लेना है हमें एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स। इसका मतलब होता है कि हम जो फ्रेम किसे बोलते हैं, बीम कॉलम को, तो हम ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ये एक्सट्रूड होता जाएगा सेल्स में कन्वर्ट होते हुए। यहाँ फिनिश करना है हमें 90 डिग्री का, इसी तरह से तो बनाना है। ठीक है, अच्छा एक चलो इसको हम ले लेते हैं पहले। सबसे पहले हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया, एडिट एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल, और रेडियल इसमें ले लिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कर्व बनेगी, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ये यानी कि 0 0, कोऑर्डिनेट 0 0, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 0 0, या आप पिक भी कर सकते हैं। अब एंगल क्या डालना है, क्योंकि हम एक सेल बना रहे हैं तो उसे 5 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, और एक सेल जब 5 5 डिग्री पर रोटेट होती जाएगी तो 90 डिग्री है ये हमारे पास। इसको कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए होंगे देख लेते हैं। 5 डिग्री पर हम रोटेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 5। अभी ड्रॉप को यूज़ नहीं करेंगे हम, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। देखिए माउस में ओके पे ले आता हूँ तो क्या होता है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट हैं, हमें कॉलम कॉलम सेलेक्ट करना था, तो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया। दोबारा से एडिट एक्सट्रूड, केवल ओके पे ले जाता हूँ अगर मैं, तो देखिए दोबारा समझते हैं। जो 0 0 है ये है ओरिजिन, ये इस कर्व का, ठीक है, इस कर्व का ओरिजिन। 5 डिग्री का मतलब है एक सेल बन रही है जो 5 डिग्री पे कॉलम से निकलने का रोटेट हो रही है। इस तरह उस सेल के बाद जो दूसरी सेल निकलेगी वो 5 डिग्री पर रोटेट होगी। इसी तरह 18 सेल्स चाहिए हमें 90 डिग्री को कम्प्लीट करने के लिए। ठीक है, अब ओके कर देते हैं तो देखिए बन चुकी है। इसी तरह हमें यहाँ पर बनानी है, अगर हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं तो एंगल कितना और कवर कर रहा है, 180, और इसका सेंटर क्या होगा, ये। और कॉलम कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम, ये बिल्कुल इसी तरह ये कॉलम सेलेक्ट करना है। 180 एंगल है डिवाइड बाई 5, 90 जो भी होगा, और यहाँ पे हमें सेंटर ले लेना है। तो हम ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं, एडिट एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स रेडियल। अब ये देखिए कितना है, 8 प्लस 5 13, एक्स है हमारा 13, और वाई कितना होगा हमारा, वाई 8 प्लस 3.5 यानी 11.5, और एंगल 5, और यहाँ पे क्या होगा, 180 डिवाइड बाई 5 36। ये देखिए ओके कर दिया, ये बन गया। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे ये जो डायमेंशंस है ये 2.5 मीटर है ये, ठीक है, 2.5 मीटर। तो ये बनाने के लिए सेम हमें यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, कॉलम के लिए एक जॉइंट चाहिए, तो हम एक कॉलम बना जॉइंट बनाएंगे, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, फिर उसमें ये एंगल कितना कवर कर रहा है, 270। फिर तो सेम है, आप सेम बना सकते हो, यहाँ पे एक कॉलम चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा जूम कर लिया और यहाँ पे ड्रॉ जॉइंट, और यहाँ पे क्लिक करके जब माउस को नीचे ले जाएंगे तो देखिए वैल्यू भी लिखी आ रही है, और हमें कितना चाहिए, 2.5, और 2.5 पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जॉइंट बन चुका है। यहाँ पे हमने कॉलम लिया और एक कॉलम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, सेम एडिट एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स रेडियल, पिकअप पॉइंट क्या होगा हमारा, इस पर क्लिक किया, ये यही तो सेंटर होगा, और एंगल 5, लेकिन नंबर्स कितने होंगे, 270 डिवाइड बाई 5 54। ये देखो ओके कर देते हैं, अंडो करते हैं। इसमें एक चीज़ और बतानी थी मुझे, ये सिलेक्ट किया कॉलम एक्सट्रूड, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी जो कॉलम हमने बनाया वो डिलीट हो जाए, क्योंकि हमने इस सेल्स बनाने के लिए कॉलम बनाया था। ये देखिए ये हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, प्लान पे जाते हैं और यहाँ पे हमें बनानी है स्लैब, तो स्लैब पे जाते हैं, और स्लैब हमने डिफ़ाइन की थी 200 mm की, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बनाने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे ऊपर वाली स्लैब लेनी होगी और इस तरह से
ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्लैब बनानी है, तो सबसे पहले एक्स टू हटा देते हैं, यहाँ पे स्लैब बनानी है, तो वही ये वाली स्लैब ले लेंगे हम, और बस ये जो आपको पॉइंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं प्लस, इस पर क्लिक करते जाएंगे। इस तरह से आप क्लिक करते जाना है जो प्लस प्लस पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे जाके फिनिश कर देना। सेम एज आप यहाँ पर बनाएंगे इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ऑल स्टोरे ध्यान रखना है, वरना आपको दोबारा ये करना पड़ जाएगा जो हर स्टोरे पे बन जाए। देखिए स्लैब बन चुकी है, अगर इसका 3D व्यू देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा हमें, और एक्सट्रूड देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लान में जाते हैं, यहाँ पे बनानी है हमें स्पाइरल स्टेयर। तो जैसे कि हमने कॉलम को यूज़ किया था वैसे ही हम बीम को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ ऐसे इस तरह से तो निकलेगी आपकी स्पायरल, ऐसे स्पायरल स्टेयर जो नीचे वाले फ्लोर पर जाएंगी, है ना। तो कहाँ से निकलेगी वो स्पायरल स्टेयर, बीम से, इस बीम से। तो इतना बीम सेलेक्ट करना है, सेम वही प्रोसीजर करना है हमें, 275 डिग्री, सेम सब कुछ। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा बीम सेलेक्ट होता है। मैं क्या करता हूँ, एक नया बीम बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको सेलेक्ट करता हूँ छोटे वाले को, और एडिट एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स रेडियल, सेंटर पॉइंट तो ये होगा 5 डिग्री, 54 होगा 270। डिलीट सोर्स यानी जो बीम हमने बनाया वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डालना है ड्रॉप 3 मीटर, क्योंकि ये इस फ्लोर से, क्योंकि ईच फ्लोर की हाइट 3 मीटर है, तो 3 मीटर पे जाके मिलेगा नीचे, इसलिए ओके कर देते हैं। ओके, ये बन चुका है, ये 3D में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पायरल स्टेयर, अगर इसका रेंडर व्यू देखते हैं हम तो इस तरह से दिखाई देगा रेंडर व्यू। देखिए यहाँ पे आपका स्पायरल है, तो इस तरह से मॉडलिंग इसकी कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार। थैंक यू।